रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना का अब दूसरा वर्ष चल रहा है और इस योजना के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ बदलना कठिन है, बदला भी नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तय नहीं किया गया, केवल कटौती ही निश्चित की गई है। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह सवाल उठाया था कि इस पंचवर्षीय योजना का मतलब कुछ सरकारी पक्ष से भी बताया है, इसके अंदर कमियां हैं और बहुत सी कमियां हैं जिनके ऊपर मैं यहां कुछ दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता भी हूं कि इस तरह से प्रश्न ना उठाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यह योजना सरकार ने बनाई है, यह योजना कैबिनेट ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो यह कमी रहने का दोष किसके ऊपर है? मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं। बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है, तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज़ उठाएं, इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार से या जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई उन्होंने वास्तव में यहाँ के साथ बड़ा जुर्म किया, यहाँ के साथ अन्याय किया, क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या योजना बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, इनसे क्या नफ़ा नुकसान होगा, इन सब बातों पर उन्होंने गौर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ऐसे हालात के अंदर यह बात ठीक नहीं है। ऐसी दशा में यहाँ पर 5 वर्षों में आने वाली योजनाएं बेकार बनकर रह जाएगी। जो कटौती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को हम एक आदर्श नगर बना सकें। यह बहुत ही आवश्यक है कि यदि हम इस योजना की उन्नति चाहते हैं, इसलिए अब मैं अपना कथन इस शब्दों के साथ ही इस्तेमाल करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आठवीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के
कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुआ। इन योजनाओं के नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से लागू नहीं की गई। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी। लोग दुखी ही रहे। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा यही निकला कि हमें रुपये का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, दूसरी योजना बनाई, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय कम होती गई। हमारा जीवन स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सकें, उन्हें उन्नत कर सकें। छोटे उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई है, मगर इसके साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में लागत और कार्यकुशलता में भी वृद्धि की जाए और किसानों को खुशहाल बनाया जाए। सभापति महोदय, ये शब्द मेरे नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपिता के हैं। जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता का कहा हुआ है? आज 44 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपिता की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिषद की नियमावली में एक साल पहले एक संशोधन भी रखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन साल भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो, और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं, फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है। जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर जरूर पड़ेगा। आप देखेंगे कि जिस मनोवृत्ति के माता पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं।
हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं करते।